अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो जिन्होंने पिछला व्लॉग देखा था उनको तो पता होगा हम इधर बाग में आए हुए हैं, और जिन्होंने पिछला व्लॉग नहीं देखा वो जल्दी से जाके पिछला व्लॉग भी देखें, उसमें भी बहुत मज़ा आया था। और मैं आपको बताऊँगी, थोड़ा सा बता देता हूँ पिछले व्लॉग में क्या हुआ था। हम ना पिछले व्लॉग में इधर आए थे, हमने इधर बहुत ज़्यादा अंजीर चकोतरों के दरख्त भी दिखाए थे आपको, और बहुत सारे दरख्त आप जाके पिछले व्लॉग में देख सकते हैं। इस व्लॉग में हम आपको बगाया जूं था बहुत ज़्यादा विजिट करने वाला रहता है वो भी करेंगे, और फिर हम जा रहे हैं अब हम आगे जा रहे हैं, है ना अरहम भाई। गाइस हम जा रहे हैं आपको सब्जियां दिखाने, उधर ना कद्दू की बेल लगी हुई है, हम दिखाते हैं इधर सारी। ये देखें ये सब्जियाँ लगेंगी, और ना पीछे ये बाग है फलों के, ये देखें यहाँ पे है, सब्जियां भी लगी हुई है। हम ये अब पहुंच गए इधर, ये देखेंगे इधर सब्जियां लगी हैं। ये कौन सी है? ये कद्दू की बेल है, हलवा कद्दू की बेल है। हाँ जी। ये देखें ये सारी बेल लगी है, ये देखें ये सारी हलवा कद्दू की बेल है। ये इधर से शुरू होके वो कहाँ तक जा रही है वो देखो, ये सारी हलवा कद्दू ही लगे हैं। इधर सारे हलवा कद्दू लगे हैं, वो देखो वो कर भी रहे हैं सब्जी, जो उनसे काट रहे हैं, काश्त हो रही है, वो सभी लगे हैं किसान वगैरह। ये देखें इधर पता नहीं ये भाई क्या लगा है, ये मेरे ख्याल मौसम्मी लगी है। ये देखें कितने ज़्यादा, ये देखें, और ये देखें इधर भी, ये मेरे ख्याल पता नहीं कौन सा दरख्त है ये भाई, कौन सा दरख्त है अरहम भाई आपको पता है? पता नहीं ये कौन सा दरख्त है। ये सब्जियां सब्जियां लगी हैं इधर भी, ये देखें ये मौसमी का दरख्त है, ये सारे वो उच्च कोतरों का दरख्त है, कितने बड़े बड़े हैं। हम मैं आपको जाके दिखाता हूँ, फिर इधर इतने बड़े बड़े चकोतरे लगे हुए हैं, देखें आप उसको, ये देखें ये कुछ नहीं क्या है, ये गलगला, ये पता नहीं चकोतरे हैं क्या अरहम भाई, क्या है गलगा, गलगा पता नहीं क्या कही आ रहा है। ये देखें कितने बड़े है, मेरे ये हाथ है, हाथ में भी नहीं आ रहा। ये देखें ये कितने सारे ऐसे ही लगे हुए हैं बड़े बड़े से, ये देखें ये पता नहीं चकोतरा नहीं है, कोई और ही फल है पता नहीं क्या है ये। अगर आपको पता है आप कमेंट में बताना क्या है। और हम आगे जा रहे हैं, ये सारे दरख्त उसके हैं अपने मौसम्मी के दरख्त है, ये पता नहीं किस चीज़ का दरख्त है, ये मौसम्मी का ही है। ये देखिए जल कुकर, इसके ऊपर ना अभी अभी हमने जल कुकर देखा है, अभी पता नहीं गायब हो गया है, कहीं छुप जाते हैं ना वो, इसके ऊपर था अभी हमने देखा था कुछ टाइम पहले हम ना अभी उधर बैठे हुए थे। ये देखें ये भी लगी मौसम्मी, क्या हुआ बच गए, ये भी पता नहीं क्या लगा है। आप ना कमेंट में बताना क्या लगा। हम बागे आ गए हैं और हम जा रहे हैं, और घर जाने का प्रोग्राम बन रहा है। मैंने कहा आपको थोड़ा सा दिखा दे, आपको ना मैं एक और दिखाऊं, ये हरी मिर्च लगी है, ये देखें लाल मिर्च है, लाल के हरी पता नहीं, लाल भी है, लाल हरी दोनों ही है। ये देखें ये इधर तितलियां भी हैं, ये सारी मिर्चें लगी हैं। ये देखो भाई कितनी लाल है, ये देखें ये ऑरेंज मिर्च है, दादर मिर्च, ये देखें ये सारी मिर्चें हैं, सारी है दादर दुर्दर सारी, ये सारी ही मिर्चें हैं। ये देखें ये नीचे सारी दादर मिर्च है भैया, ओ हरी मिर्च, ये भी मिर्चें हैं मिक्सी, और ये देखें ये सारी मिर्चें लगी हैं, रेड मिर्च भी मैंने देखी है, हरी भी देखी है, इधर ऑरेंज मिर्च है, इधर हाँ वो गन्ने हैं मेरे ख्याल, अभी का गन्नों का सीजन है, अभी तो गर्मी है। आगे आ जाओ अरहम भाई, आगे चलते हैं हम, और वो देखो अरहम भैया आपका भाई, ओ आपका भाई नहीं आपके जैसा ही है, वो देखो सामने, मेरा भाई है। नहीं, नहीं मेरा भाई है। आपका भाई नहीं है, आपके जैसा है, आपके जैसा है, आपका भाई नहीं है, आपके जैसा है, मेरा भाई है। ठीक है आपका कोई और भी भाई होगा मेरे अलावा, मुझे क्या पता, ये देखें नहीं ये मेरा भाई है बड़ा, हाँ मैं बड़ा भाई होगा, मुझसे भी कोई बड़ा होगा, मुझे क्या पता, नहीं ये मेरा बड़ा भाई है, उसका नाम शाम है, वो है,
और ये फिर हम आगे जा रहे हैं। इधर सारी बाग ही बाग है। ये कौन सा दफ्तर है भाई? पता नहीं। ये भी पता नहीं। ये कौन सा है? ये पता नहीं। आपको पता किस बात का? वो देखो उल्लू। किथे? वो उल्लू आपको वो भाग 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 किधर गए? वो देखो जा रहा है। वो उड़ गए उधर बैठे हुए ऐसे उल्लू। वो उस जगह पे बैठे थे। किधर? वो उधर भी बैठा है। वो उड़ गया। वो देखो उल्लू। अरे भाई ये भी आपका वो कोई और छोटा भाई होगा आपका? नहीं मेरा बड़ा भाई है। इधर ये खजूर के दरख्त लगे हैं मेरे ख्याल। खजूर है ये सारे खजूर के दरख्त है। अरे भाई खजूर तो नहीं है खजूर मैंने भी वही कहा है। और इधर फिर मेरे ख्याल मौसमी मौसमी है सारा बाग ही मौसमी का है मुझे लगता है। मेरे सारे खजूर मेरे मामा रहते आ गया ही। इतनी गर्मी इतनी गर्मी इतनी गर्मी। ये केलों के दरख्त है केले। इसे सांप होना तो आना केला ये दरख्त सांप होता ही होता। ये देखें ये केले का जो काच है खराब है। सांप होता है। ये सारे केले के दरख्त है एक दूर के दरख्त है। पापा भी आ गए। ओ आ गए। अरे भाई चलें घर फिर। हाँ थको गए थको हो गया मैं कहता हूँ चलते हैं घर अब। अरहम भाई हाँ भाई घर जाकर थोड़ा सा बना लेंगे तब मैं घर चलता हूँ। सारिया भाई ये देखें इधर केले लगे हुए हैं। ये देखिए ये केले अभी ये पक्के नहीं हुए कच्चे आ रहे पहले जरा पीले हो जरा फिर इन्हें खा रहा हूँ। इधर केले लगे हैं और भी किधर लगे हैं केले? अरहम भाई वो तो पीछे है इधर केले वगैरह भी लगे हैं। इधर वो देखें वो ऊपर भी है। हाँ और ये इधर भी लगे हैं। ये देखे केले घर में गमले ये देखो भाई कितने सारे गमले हैं फसलें लगी हुई। ये सारी फसलें लगी हैं। वो पीछे पट्टा भी है ये गमले भी है। ये देखे ओ पीछे भी बाग है भाई इधर आ। चलो भाई चलते हैं वो बहुत ज्यादा थक हो गया। चले हम चलते हैं। ये देखें ये सारे खजूरों के दरख्त वो बेंच लगे हैं उधर बैठते हैं जरा सा आराम से करें। ये भी देखें ये सारे खजूरों के ये देखें ये इधर बैठते हैं हम। ये पीछे भी मौसमी मौसमी है। चले गए हम मैं इधर बैठा हुआ हूँ। अरहम भाई पता नहीं उधर ही है देखते हैं अरहम भाई को। अरहम भाई किधर है? ओ अरहम भाई ये देखते हम जा रहे हैं जी भाई क्या हुआ आँख इस आँख में ना सुबह सा पानी निकली जा रहा है मैं साफ करी जा रहा हूँ ना ज़्यादा साफ ना करो ऐसे पता नहीं क्या होगा। इधर पीछे पता नहीं छलियाँ लगे हैं कि गंदे लगे हैं। ये देखें ये भी उसका मौसमी होगा दरख्त है। ये बाग ही पूरा मौसमी होगा। ये ले गए पता नहीं कोई गन्ने हैं कि क्या है और पता नहीं इधर बहुत ज़्यादा कुछ ही लगा है। छलियों के हैं ये छलियों के वो छलियाँ उग नहीं रही हैं मैंने देख ली हैं। आपने में से किसी ने देखी है कमेंट में बताएं। एनर्जी लो हो गई है जरा सा। आए हम अभी जा ही रहे थे हमें ना एक जापानी फल का जो सा दरख्त मिला है। ये देखें ये जापानी फल लगा है। ये देखें ये सारा ही जापानी फल है। ये देखें ये भी जापानी फल लगा है। ये देखें कैसा गुच्छा लगा है जापानी फल का। मैंने तो पहली मरतबा देखा है जापानी फल का दरख्त। अगर आपने देखा तो कमेंट में बताना। और वो भी दरख्त जापानी फल का है। ये भी दरख्त जापानी फल का है। ये सारे जापानी फल लगे हैं। ये देखे अभी कच्चे हैं पके नहीं जानवर ये किसी जानवर के लिए खाया हुआ है। वो आगे भी दरख्त लगा है।
इतने ज़्यादा जापानी फल लग रहे हैं, ये भी जापानी फल ही है, ये सारे जापानी फल लग रहे हैं। चले फिर चलते हैं हम अब घर चलते हैं। गाइस हम आम के दरख्त के पास आए हुए हैं और चले करते हैं इस व्लॉग का एंड। व्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताना और इस व्लॉग को पूरा देखा तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और अब हम आपको मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब के लिए बब।